हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजन हिंदी के एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे एलविस यादव की कैप्टेंसी छीनने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, उनकी साजिश हो रही है कि कैसे भी करके उनकी कैप्टेंसी को रोका जाए। जिस हिसाब से बिग बॉस ने उन्हें घर का डिक्टेटर बनाया हुआ है, तो और लोगों के कुछ जैसे जिया, फलक और अविनाश की कोशिश है कि उनको कैप्टन बनने से रोका जाए। अब इसी के लिए वो सब साजिश में जुट गए हैं। अब क्या क्या साजिश कर रहे हैं वो, क्या क्या गुप्त उनको काम करने को मिला है ताकि वो कैप्टेंसी रोक सकें एलविस की, ऐसे तीन टास्क मिले हैं उसको कैप्टेंसी रोकने के लिए, जिसमें सबसे पहले अविनाश को ये करना है कि उसके डिक्टेटर वाले सिंहासन पर बैठ करके उसको एलविस को 5 मिनट तक उसके बारे में भला बुरा बोलना है। अब ये अगर वो टास्क पूरा कर लेता है तो कहीं ना कहीं वो उनकी कैप्टेंसी रोक सकता है एलविस यादव की, लेकिन उसको तीनों ही टास्क अपने पूरे करने होंगे। और दूसरा टास्क उसका ये है कि उसे फलक से उसका हेड मसाज करवाना है, एलविस का हेड मसाज करवाना है, और उसके साथ साथ उसे 5 मिनट तक एलविस के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलनी है। अब इसके बाद तीसरा टास्क जो अविनाश को मिला है, अगर वो पूरा कर लेता है तो वो कैप्टेंसी रोक पाएगा एलविस यादव की, वो ये है कि उसको जिया के हाथ से बनाया हुआ कुछ खिलाना है और जिया खुद ही खिलाएगी। अब तुरंत जिया ने उससे पूछा एलविस से कि क्या आपने खाना खाया, तो उन्होंने कहा कि नहीं खाया है। अब एलविस से उसने कहा कि मैं आपके लिए कुछ बना रही हूं, आप खाओगे, तो एलविस ने कहा कि नो थैंक्स। अब कहीं ना कहीं अगर एलविस जिया के हाथ का बना हुआ खा लेता है तो वो एक टास्क अविनाश जीत जाएगा ताकि उसकी कैप्टेंसी एलविस की रुक सकती है। अगर वो ना हेड मसाज ले फलक से और ना वो जिया के हाथ का बना हुआ कुछ खाए, तब कहीं ना कहीं वो अपने टास्क में जो भी उनको गुप्त टास्क मिले हैं वो पूरा नहीं हो पाएगा और उसकी कैप्टेंसी सेफ रहेगी। अब देखने वाली बात है कि क्या ये जो साजिश चल रही है बिग बॉस के घर में एलविस की कैप्टेंसी रोकने के लिए, ये सब अविनाश, जिया और फलक उसमें सफल हो पाते हैं या नहीं। अगर आप भी एलविस को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो यार। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी न्यू अपडेट के साथ, किसी मूवी रिव्यू के साथ, किसी और भी ओटीटी से जुड़े हुए कुछ और नए वेब सीरीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।